मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के गोविंडी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन की पटरी पार करते समय एक भिखारी की कटकर मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इसका नाम बीरभी चंद आज़ाद 82 साल के रूप में हुई। पुलिस ने इस भिखारी के पास से पैन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद किया है। हैरानी पुलिस को तब हुई जब ये भिखारी लखपति निकला। लोकल ट्रेन में भीख मांगने वाले ये भिखारी के घर में पैसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। ये भिखारी के घर में 1,77,000 के सिर्फ सिक्के बरामद हुए हैं, जिसकी गिनती करीब 8 घंटों तक चली है। यही नहीं, 8,77,000 के फिक्स डिपॉजिट के पेपर भी मिले हैं। इसके अलावा इस भिखारी के बैंक अकाउंट में भी 96,000 रुपये जमा थे। ये लखपति भिखारी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। वहाँ से लगभग करीब वो सब गिना क्वाइन तो 1.5 लाख के आसपास हो गया, और उसका जो FD का था वो FD के सर्टिफिकेट 8,77,000 के है, और उसके बैंक का भी पासबुक मिला, उसमें 96,000 बैलेंस है। अभी हमने राजस्थान के पुलिस से, रामगढ़ पुलिस से, उसके लड़का जो FD में भी नॉमिनी लिखा है, सुखदेव करके है, तो उसको अभी संपर्क हुआ है और वो वहाँ से यहाँ आने के लिए निकला है। यही नहीं, बिभरी चंद के जो साथी भिखारी हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी कि बिभरी चंद के पास इतने पैसे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि बिभरी चंद का परिवार पहले गोविंडी में रहता था, मगर सभी लोग गांव राजस्थान चले गए। अब बिभरी चंद अकेले यहाँ रहता था, मगर अब उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस अब परिवार की तलाश कर रही है और इसकी सूचना भी राजस्थान पुलिस को दे दी गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।